हेलो, दिस इज आशीष। यू आर वॉचिंग लीगल इंसेन। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझने वाले हैं कि अगर दो लोगों के बीच में कोई केस चल रहा है किसी भी डिस्प्यूट को लेकर, है ना, किसी भी इशू को लेकर, अगर हम कहें किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेकर अगर कोई केस चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर इन फ्यूचर सेम सब्जेक्ट मैटर पर, सेम इशू पर, है ना, सेम डिस्प्यूट को लेकर और उन्हीं दोनों पार्टीज के बीच में अगर कोई दूसरा केस फाइल हो जाता है, तो उस दूसरे केस के साथ क्या होने वाला है, कोर्ट उसके को कैसे डील करेगी, यही आज इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजीली। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले बेसिकली ये समझो कि जब कोई केस किसी दो पार्टीज के बीच में, फॉर एग्जाम्पल राघव और राम के बीच में कोई केस चल रहा है किसी प्रॉपर्टी के ऑनरशिप को लेकर, राम कह रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, राघव कह रहा है ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो यहां पर सपोज करो कि राम ने राघव के अगेंस्ट केस फाइल कर रखा है क्योंकि प्रॉपर्टी अभी राघव के पास है। तो राम ने कोर्ट में केस फाइल किया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसका जो पोजीशन है, जो ऑनरशिप है, वो मुझको मिलनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी मुझको मिलनी चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग एक केस फाइल कर दिया है राम ने राघव के अगेंस्ट। अब क्या होता है कि इन फ्यूचर राघव सोचता है कि यार ये केस तो राम ने मेरे अगेंस्ट फाइल किया हुआ है, अब एक केस मैं भी फाइल कर देता हूँ राम के अगेंस्ट उसी प्रॉपर्टी को लेकर कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, मुझको मिलनी चाहिए, तो एक केस मैं भी फाइल कर देता हूँ राम के अगेंस्ट। तो राघव ने क्या किया, राघव ने भी एक केस फाइल कर दिया दूसरी कोर्ट में जाकर, है ना। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो राघव ने दूसरा केस फाइल किया हुआ है उसका क्या परिणाम निकलने वाला है, कोर्ट उस केस के साथ कैसे डील करेगी, हम ये बेसिकली समझेंगे। तो अब बेसिकली देखो, यहाँ पर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का एक सेक्शन है, सेक्शन 10, वो पिक्चर में आता है। बहुत ही सिंपल सा लॉ है। ये लॉ कहता है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेकर, किसी भी इशू को लेकर, है ना, किसी भी डिस्प्यूट को लेकर अगर किसी दो पार्टीज के बीच में कोई सिविल केस चल रहा है, तो जिस कोर्ट में वो केस चल रहा है, अगर उस कोर्ट के पास प्रॉपर ज्यूरिस्डिक्शन है उस केस के ट्रायल को करने का, और बाद में दोनों पार्टीज में से एक पार्टी दोबारा से उस केस को फाइल कर देती है सेम टॉपिक पर, सेम जो है सब्जेक्ट मैटर पर, सेम इशू पर, है ना, दोनों पार्टीज सेम टाइटल लगाकर, है ना, जैसे पहले राम वर्सेस राघव था, अब राघव वर्सेस राम हो गया, तो टाइटल तो सेम है। और वो जो केस फाइल होता है, फाइल जब वो केस हो जाता है, तो उस केस में अब क्या होने वाला है, तो सेक्शन 10 बेसिकली कहता है कि अगर कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग है, उसी कोर्ट में पेंडिंग है या किसी दूसरे कोर्ट में पेंडिंग है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है उस केस का ट्रायल करने का, या मान लो कि वही केस जो है इंडिया के बाहर किसी कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन वो जो बाहर कोर्ट है, इंडिया के बाहर कोई कोर्ट है, उसका जो ऑनरशिप है वो इंडिया के पास ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो कोर्ट चल रही है, या सपोज करो कि वो पहला वाला केस है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल है, मतलब कि चार जगह ही केसेस फाइल हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में, या बाहर, या उस कोर्ट में जिसमें दूसरा केस फाइल हुआ है, या किसी दूसरे कोर्ट में, है ना, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है उस केस के ट्रायल को करने का, उस केस में फैसला देने का। अगर किसी कोर्ट में ऑलरेडी कोई केस फाइल है और वो चल रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है सपोज करो, तो बाद में अगर कोई केस फाइल होता है सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर और सेम पार्टीज के बीच में, तो जो कोर्ट है जिसमें जो दूसरा केस फाइल हुआ है, वो कोर्ट उस केस के ट्रायल पर स्टे लगा देगी, उस केस के ट्रायल को रोक देगी। इसी को हम बेसिकली लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं रेस सब जुडिस। ये रेस सब जुडिस का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग है और चल रहा है, जिसका ट्रायल जो है दोबारा केस फाइल करके सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम पार्टीज के बीच में दोबारा कोई ट्रायल नहीं हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी केस चल रहा है, है ना। तो बेसिकली ये रेस सब जुडिस का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम स्टे ऑफ सूट्स भी बोल सकते हैं, जिसके आधार पर केस के ट्रायल पर स्टे लग जाता है, और सेक्शन 10 इसी की बात करता है स्टे ऑफ सूट्स के बारे में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बात और समझने वाली है कि जो सेक्शन 10 है वो दूसरे सूट को फाइल करने पर बार नहीं लगाता, वो सिर्फ अगर कोई दूसरा सूट फाइल हुआ है तो उसके ट्रायल पर स्टे लगाने की बात करता है, दैट इज इट। अब इसके बाद चलते चलते एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखो, जो सेक्शन 10 है जो स्टे ऑफ सूट्स की बात करता है, जो रेस सब जुडिस का कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ सिविल मैटर्स पर ही एप्लीकेबल है,
क्रिमिनल मैटर पर नहीं, अगर सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर सेम पार्टीज के बीच में अगर कोई क्रिमिनल केस फाइल होता है या किसी दूसरे नेचर का कोई अगर केस फाइल होता है तो फिर उस पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप आपको पूरा बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग है तो कोई दूसरा केस जो है सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम पार्टीज के बीच में अगर फाइल होता है तो उसके ट्रायल पर स्टे लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।